नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने प्रयागराज का खुसरू बाग दिखाने लेके आए हैं, जो कि अभी ये रोड पे खड़े हैं और मेन गेट पे खड़े हुए हैं। और आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, ये जो रोड जा रही है आगे, ये प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा वाला जंक्शन जिसको बोलते हैं, प्रयागराज का सबसे बड़ा जंक्शन है ये प्रयागराज जंक्शन। आगे जाएंगे 200 मीटर आगे प्रयागराज जंक्शन है बाएं साइड में, और इस तरफ जाएंगे तो ये आगे रोड ये हाई कोर्ट तरफ चली गई है, और झलवा वगैरह जा सकते हैं इधर से। और जो कि सामने ये खुसरू बाग दिखाई दे रहा है, ये जस्ट सामने है, ये देखिए गेट पे, मेन गेट पे हम लोग खड़े हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों खुसरू बाग का वीडियो पूरा दिखाने लेके चल रहे हैं, तो देर ना करते हुए आइए चल के फिर आप लोगों को अंदर का पूरा वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग खुसरू बाग के ये गेट से अंदर प्रवेश करने चल रहे हैं। ये अंदर गेट से प्रवेश कर लिए दोस्तों, ये देखिए अंदर आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर प्रवेश करने से पहले यू आर हियर, हम लोग यहाँ इस जगह पे खड़े हुए हैं। ये जो एरो मारा गया है यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे अंदर हम लोग पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, थंब ऑफ सुल्तान खुसरू बाग ये लिखा हुआ है, और सब कुछ जो भी है यहाँ का पूरा ये मैप है ये। और ये खुसरू बाग उद्यान का समय सूर्योदय बंद होने का समय सूर्यास्त, मतलब सूर्योदय के टाइम पे सुबह में खुल जाता है और सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। और चेतावनी, इस परिसर में फूल पत्ती व फल तोड़ना मना है, क्योंकि 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ऐसा करके यहाँ इसमें लिखा गया है। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए। और खुसरू बाग ये दे सकते हैं, बहुत ही बगल बगल बहुत ही बढ़िया ये फूल पत्ते लगाए गए हैं, बैठने की भी व्यवस्था है ये, और मोटी मोटी ये बाउंड्री देख सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग अंदर तो प्रवेश कर ही चुके हैं, यहाँ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। और ये जो खुसरू बाग है, सबसे पहले खुसरू बाग किस नाम से पड़ा, किस वजह से खुसरू बाग कहा बोला जाता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि जहांगीर के बेटे थे उन्हीं के नाम खुसरू नाम था उनका, खुसरू उन्हीं के नाम पे खुसरू बाग पड़ा। और दोस्तों, यहाँ का जो पार्क है ये पूरा जो खुसरू बाग का, ये 17 बीघे में है ये। और यहाँ पे अंदर मकबरा है, और उसके बाद यहाँ का जो खुसरू बाग का जो बाउंड्री है, उसके बाद जो एरिया है पूरा ये, चारों तरफ इसके गेट बने हुए हैं चारों तरफ से, जो कि इनके सेनापति लोग इधर चाहे जिधर से अंदर आ सकते थे, ये लोग भी अंदर चाहे जिस गेट से अंदर आ सकते हैं आप लोग, उस वजह से बनाया गया था, चारों तरफ से गेट है। और खुसरू बाग का अमरूद जो कि विदेशों में निर्यात किया जाता था, बहुत ही फेमस है यहाँ का अमरूद, इस वजह से फेमस है इलाहाबाद का अमरूद जो कि विदेशों में निर्यात होता है। ये देखिए उधर अमरूद के बगीचे उधर भी हैं, और इधर भी ये कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग किया गया है आगे सामने, ये देखिए। और आगे भी उधर भी अमरूद हैं, कई प्रकार के अमरूद के पौधे हैं, पेड़ हैं। तो आइए फिर आगे, पहले आप लोगों को इधर से घुमाते हुए ले चलते हैं अमरूद दिखाते हुए। ये दोस्तों आप लोगों को दिखाने चल, और ये देखिए, और आम का भी पेड़ लगाया गया है, जो कि कई वैरायटी है आम का, और कटहल का भी है खुसरू बाग के अंदर। और आम का ये फल लग रहा है, बबूल ले रहा है आम का। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अमरूद का ये पेड़ है, ये इधर भी है, और उधर अंदर निराई गुड़ाई चल रही है अमरूद का।
और जगह जगह बैठने के लिए भी बनाया गया है। देखिए, और सिंचाई भी की जा रही है, अमरूद के कई वैरायटी देखिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे पौधे अमरूद के हैं, ये कई वैरायटी के हैं। वीडियो में आप लोगों में बता ही दिया हूँ कि यहाँ के अमरूद विदेशों में निर्यात किए जाते थे, और यहाँ का अमरूद आज भी फेमस है, प्रयागराज का अमरूद पूरे देश में। देखिए यहाँ पे शौचालय वगैरह है, और पानी पीने के लिए भी है, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए है अंदर। और ये देखिए आगे इधर जाने का है, बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग किया गया है। और आम के पेड़ देखिए, ये और ये देखिए अमरूद पखंड रोपण वर्ष, ये देखिए, और आंवले का भी पेड़ है, ये देखिए आंवले का पेड़ है उधर, वो आगे लास्ट उधर बाउंड्री है। तो हम लोग इधर चलेंगे, ये वाला देख रहे हैं दोस्तों फूल कितना बेहतरीन लग रहा है, इसमें छोटे छोटे ये फल लग गए हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इधर भी अमरूद का पेड़ है, और इधर भी अमरूद का पेड़ है। और यहाँ पे लोग अंदर आके पढ़ते भी हैं, क्योंकि शांति रहता है अंदर। ये देखिए काफ़ी संख्या में स्टूडेंट अंदर पढ़ भी रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे अंदर कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है, कोई टिकट का चार्जेस नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है। हम लोग तो ऐसे आए हैं, कोई चार्जेस तो अभी नहीं लग रहा फ़िलहाल, बाद में कभी लगेगा ये नहीं बता सकते, अभी तो नहीं लग रहा फ़िलहाल। ये रात में ये जलता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता होगा, लेकिन रात में सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है। देखिए बगीचा आम का, देखिए दोस्तों, और अंदर उधर भी लगाए जा रहे हैं अमरूद के कई वैरायटी, फूल उल भी यहाँ पे हर प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, रोपण किए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों इधर ये प्लांट छोटे छोटे रोपण किए गए हैं। और अंदर भी रोपाई किया गया है, ये देखिए दोस्तों कई प्रकार के फूल हैं अंदर रोपाई किया गया है, जो कि खुसरू बाग के अंदर ही है। आइए अब इधर देखते हैं, इधर हम लोग आ गए अंदर। देखिए इधर भी,
अंदर फिर हॉकी पौधशाला डेट हाउस नंबर 2 अंदर वो तैयारी किया जा रहा है छोटे छोटे फूलों का, उसमें मिट्टी वगैरह गमले में भर के तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये भी अंदर का कुछ इधर है जिधर प्लांट वगैरह उगाए जाते हैं, ये खुसरू बाग में ही है। और ये पीपल का पेड़ भी अंदर है। और ये दोस्तों, ये कितना बेहतरीन बनाया गया है ये बैठने उठने के लिए, पत्थर का है, ये देख सकते हैं आप लोग, पत्थर का है। और ये लाइटिंग किस डिजाइन से बनाया गया है, और अब हम लोग मकबरे की तरफ चल रहे हैं, जो खुसरू बाग के अंदर जो मकबरा बना हुआ है उसके अंदर चलेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये मकबरा है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं हम लोग, और ये देखिए कितना गजब का लग रहा है दोस्तों, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए आप लोग। और ये खुसरू बाग के अंदर का है ये देख सकते हैं आप लोग, किस वजह से खुसरू बाग फेमस है, क्या इसके बारे में पूरा बताया गया है। देखिए, 3 पवित्र नदियों गंगा यमुना सरस्वती विलुप्त के तट पर अवस्थित यह स्थल सड़क रेल हवाई मार्ग से भलीभांति जुड़ा हुआ है, जो कि आप सड़क से हवाई मार्ग से सभी से आ सकते हैं। इसके बारे में विस्तार पूरा दिखा दिया आप लोगों को। और ये पूरा प्रसाधान पेयजल इसके बारे में पूरा दिया गया है, आगे है ये दिखाई दे रहा है। और ये खुसरू बाग स्मारक खोलने का सूर्योदय समय, ये सुबह टाइम खुलता है, ओपनिंग टाइम सनराइज, सुबह होते ही खुलता है। स्मारक बंद होने का टाइम है सूर्यास्त, क्लोजिंग टाइम सनसेट, मतलब सूर्यास्त के समय। आदेशानुसार महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा ये बताया गया है। और दोस्तों, हम लोग गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं, अब आप लोगों को ये चारों मकबरा दिखाने के लिए अंदर प्रवेश किए हैं। ये देखिए, अंदर चलेंगे और लास्ट वाले पहले चलेंगे, फिर उसके बाद सीरियल बाय सीरियल चारों मकबरा आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट वाले मकबरे पे आ चुके हैं। ये देखिए, गेट तो बंद है, नहीं तो हम लोग अंदर चलते हैं, दिखाते आप लोगों को अंदर प्रवेश करके। ये देखिए, गेट बंद है, और देखिए यहाँ से ये चारों मकबरा आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग। ये पहला वाला है,
और जो कि उधर वो सामने दूसरा वाला दिखाई दे रहा है और वो लास्ट तीसरा और उधर वो चौथा दिखाई दे रहा है। चारों मकबरे दिखाई दे रहे हैं। आइए बारी बारी से चारों मकबरे को दिखाते हैं। पहला दिखा दिया, दूसरे चलते हैं। और दोस्तों ये दूसरा वाला मकबरा है, ये देखिए। दूसरा वाला मकबरा है, अब थोड़ा सा अंदर चलने का प्रयास करेंगे मकबरे के अंदर। देखेंगे किधर से जाने का है, देखते हैं। यहाँ से जाने के लिए है, देखते हैं कैसे क्या बनाया गया है, कैसे है। ऊपर चल के देखते हैं, ये जो कि दोस्तों बहुत ही प्राचीन मकबरा है और पत्थरों से पूरा बना हुआ है, डिजाइन किया गया है। ये देखिए दोनों में ताला लॉक है, नहीं तो हम अंदर भी चल के दिखाते आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, और एक गेट इधर भी लगा हुआ है लेकिन लॉक है, और वहाँ पे कुआं है उस जगह। और ये देखिए एक गेट इधर भी है, चारों तरफ से गेट है, दरवाजे हैं। थोड़ा देखते हैं, खोलने का प्रयास करते हैं, खुला है कि नहीं देखते हैं। ये बंद है दोस्तों अंदर से, नहीं तो हम अंदर चल के दिखाते। हम लोग नीचे चलेंगे, अब अगला वाला देखेंगे। और जो कि दोस्तों ये निसार बेगम का मकबरा था, ये वाला जो दिखाया, और वो वाला खुसरो का मकबरा आप लोगों को मैं अभी दिखाया पिछले अभी थोड़ा सा पहले, वो खुसरो का था। और ये निसार बेगम का था, जो कि ये इनके बारे में कुछ दिया गया है। निसार बेगम का मकबरा, खुसरो की बहन थी बेगम का मकबरा, मकबरा साहब बेगम का मकबरा के समीप स्थित है। इस मकबरा का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे का निर्माण इस समय ही कराया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। मकबरे के आंतरिक भाग को पुष्प के मेहराब सनोवर के बीच तारों को वृत्ताकार ढंग से प्रस्तुत कर सजाया गया। अंदर निसार बेगम का भी दिखा दिया दोस्तों, और खुसरो का भी दिखा दिया हूँ। अब आगे चलेंगे, वो वाले मकबरा आप लोगों को दिखाएंगे। और जो कि दोस्तों ये शाह बेगम का मकबरा है, ये वाला शाह बेगम का मकबरा है। अंदर तो बंद है, नहीं तो हम अंदर चढ़ के दिखा देते हैं आप लोगों को, कुछ उनके बारे में विस्तार से देखते हैं। ये देखिए शाह बेगम का मकबरा, ये देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो आइए अगला वाले चलते हैं, उस वाले मकबरे पे। और ये इधर का एक गेट और है, ये
ये खुल्दाबाद साइड का है ये गेट, इधर से भी आप लोग आ सकते हैं, खुल्दाबाद साइड का है। तो आइए उस वाले मकबरे पे, चौथे वाले पे चलते हैं। ये देखिए, अब हम लोग इस वाले लास्ट वाले मकबरे पे चलते हैं जो कि खुसरू बाग के अंदर चार मकबरा है। और ये बीबी तमोलन का मकबरा है दोस्तों, ये लिखिए, यहाँ स्थित सबूतरा मकबरा तमोलन बीबी का है जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेखांकन नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सिकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वही एक दूसरी संस्कृति इसे खुसरो के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती है, तो उसको यहाँ दफनाया नहीं गया, मतलब दफनाया नहीं गया है। और ये बीबी तमोलन का मकबरा है ये वाला दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, अंदर हम जा नहीं सकते, नहीं तो अंदर चल के दिखाते आप लोगों को। ये बीबी तमोलन का मकबरा है। क्योंकि पत्थरों से बना हुआ है, पुराने पत्थरों से डिजाइनिंग किया गया है। इधर भी अंदर गेट बंद है। और ठंडा बहुत लग रहा है दोस्तों, हरियाली है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को चारों मकबरे को दिखा दिया हूँ जो खुसरू बाग के अंदर है। ये देखिए, दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँगा, अपने चैनल पे लाता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और ऐसे वीडियो दिखाता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।